तस्वीरें यमुनानगर के दादूपुर के खरवन रोड की हैं, जहां बुधवार को तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक कार ने ओवरटेकिंग के चक्कर में दो मजदूरों को टक्कर मार दी। इस टक्कर में एक मजदूर की मौके पर मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। इस घटना को लेकर कार चालक का कहना है कि ट्रैक्टर को ओवरटेक करने के चक्कर में कार अनबैलेंस्ड हो गई और यह हादसा हो गया। आप चला रहे थे गाड़ी? जी। आपसे हुआ एक्सीडेंट? जी। कितने साल के हैं? 28। तो कुछ गाड़ी कैसे अनकंट्रोल होकर कैसे टकराई? गाड़ी को मैं ओवरटेक कर रहा था एक ट्रॉली के साथ, सामने से ट्रैक्टर आया तो उसको बचाने के चक्कर में हल्का ट्रैक्टर को बचाने के चक्कर में अपने को बचाने के चक्कर में गाड़ी थोड़ी ज़्यादा टर्न किया तो गाड़ी पीछे से स्किड कर गई और अनबैलेंस हो गई। कार चालक ने अपनी ओवरटेकिंग की बात को स्वीकार कर लिया है। वहीं पुलिस विभाग की ओर से मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी सुभाष चंद्र ने बताया कि इस हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई है और दूसरा जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है, जिसे सामान्य अस्पताल में प्राथमिक इलाज देकर PGI रेफर कर दिया है। दुर्घटना इसके बारे में जानकारी दीजिए सर। सुबह करीब 8:30 बजे एक टेलीफोन आया था कि मुसाफिर का कि यहाँ JP प्लाईवुड फैक्ट्री है खारवन गांव से निकल के, यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया। तो हम अपनी पूरी टीम के साथ वहाँ गए थे। दो लड़के खड़े हुए थे, गाड़ी एक साइड में स्कूटी पड़ी थी, i20 गाड़ी थी। हमने वहाँ से पूछताछ किया, बोले जी आगे इधर ट्रली जा रही थी, इधर से उसे कार आई थी बचाने के चक्कर में, वो खंभे में लगी ट्रली में, और इधर दो लड़के जो है उसमें लेबर के थे जो काम करते थे प्लाईवुड में, वो खड़े थे, उनको टक्कर मारी गाड़ी। एक लड़का तो मौके पर डेथ हो गई थी, एक अभी ठीक था, थोड़े उससे सांस चल रहे थे, उसको हमने एम्बुलेंस में भेज दिया था हॉस्पिटल में, और उसको जो है डेड हाउस में रखा दिया था ऑक्सीजन में। तो वो लड़का PGI के लिए उन्होंने रेफर कर दिया डॉक्टर साहब ने। आगे ASI कमल है, वो उसकी तफ्तीश कर रहा है, जो भी कौन गाड़ी वाला मालिक कौन है, किसी गाड़ी है पता लग जाएगा, नंबर है गाड़ी का, और उसको जैसे जो कार्रवाई बनेगी वो कार्रवाई करेंगे उसके हिसाब से। बता दें कि ट्रैक्टर ट्रॉली को ओवरटेक करते हुए एक कार दो लोगों को कुचलते हुए एक खंभे से जा टकराई, जिसके बाद पेड़ से टकराकर नाले में गिर गई, जिसको क्रेन की सहायता से बाहर निकाला गया। और मामले को लेकर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यमुनानगर से सुरेंद्र मेहता, पंजाब केसरी TV।